जेकॾहिं तव्हांखे पंहिंजे ॿारनि सां मैचिंग प्रोफाइल तकिड़ा खपनि त अॼु ई कॉन्टेक्ट कयो rishto.com जी टीम सां। rishto.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के पैनल नंबर 17 में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। राज्य के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार जी की तरफ से शहर विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की निधि दी गई थी। इसी निधि से पैनल 17 में विकास कार्यों को किया जा रहा है। इसी कड़ी में नगर सेवक भरत गंगोत्री ने पैनल वासियों से विकास कार्यों के लिए किए हुए वादों में अपना वचन पूर्ति करते हुए पुष्प पवन पार्क का भूमि पूजन किया। नगर सेवक भरत गंगोत्री जी के सुपुत्र देव गंगोत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर पुष्प पवन पार्क का 50 लाख रुपए के निधि से अब इस गार्डन का कायापलट किया जाएगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की प्रदेश महासचिव सोनिया धामी, नगर सेविका सुनीता बगाड़े, माधव बगाड़े और स्थानिक रहवासियों के हाथों से यह भूमि पूजन कार्यक्रम सम्पन्न हुआ। विकास का जो कार्य है वो जब प्रॉपर प्रैक्टिकली बनेगा तो उल्लासनगर शहर के लिए वो अजूबा रहेगा। लेकिन मैं पैनल नंबर 17 के, खास करके 5 नंबर के जितने भी दक्ष नागरिक है उनको धन्यवाद दूंगा कि पूरे उल्लासनगर में 1964 से लेके 2016 तक का जो डीपी का माहौल था, वो डीपी के माहौल में बार बार जितनी भी चेंजेस हुई है वो चेंजेस में से सिर्फ ये जो गंगोत्री साहब का पैनल है, ये गंगोत्री साहब के पैनल में ही सबसे ज़्यादा गार्डन है, बचे हुए गार्डन है। बाकी जितने भी 1964 के डीपी में रिजर्वेशन थे, जो कॉरपोरेशन को हैंडओवर किए थे, प्ले ग्राउंड, गार्डन, ये जितने भी थे उसमें से 10% भी आज के तारीख में उल्लासनगर शहर में बचे नहीं है। एक उल्लासनगर 5 ऐसा परिसर है, ये परिसर में जितने भी गार्डन है उसका हित संवर्धन यहाँ के स्थानिक नागरिकों ने किया है, इसके लिए मैं सबसे पहला उनको धन्यवाद दूंगा। ये गार्डन भी 1964 के डीपी के और 74 के डीपी में गार्डन के लिए रिजर्व है। ये गार्डन का विकास इसके पहले जितने भी नगर सेवक आए, जितने भी लोक प्रतिनिधि आए, उन्होंने किया नहीं है। लेकिन 2007 में सबसे पहला जब गंगोत्री साहब इस पैनल के ये प्रभाग के लोक प्रतिनिधि बन के चुनके आए, वो चुनके आने के बाद में उन्होंने एक ध्येय रखा था कि मुझे मेरा प्रभाग एक मॉडल बनना चाहिए, जो मॉडल बारामती के स्तर का हो, और उसी प्रयासों के ऊपर वो ध्येय प्राप्त करने के लिए ऐसे प्रयास वो कर रहे हैं, और वो प्रयासों की पूर्ति आज पूरा शहर प्रभाग क्रमांक 17 के लगातार जो विकास के कार्य का मुहूर्त गंगोत्री साहब के हाथों से हो रहा है ये पूरा शहर देख रहा है। और जब ये पूरा विकास कार्य होगा, 25 करोड़ जो हमको आदरणीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जी ने दिए है, वो निधि से जितना भी ये विकास कार्य होगा वो विकास कार्य ये शहर के लिए प्रभाग क्रमांक 17 के जितने भी मतदाता है, नागरिक है, उनके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रहेगा। सिर्फ मैं आज के शुभ दिन के अवसर पर हमारे जितने भी उपस्थित यहाँ के मान्यवर हैं उनसे अनुरोध करूँगा, प्रभाग क्रमांक 17 के पूरी जनता से, मतदाताओं से अनुरोध करूँगा कि आपको आने वाले समय में जो 2007 से लेके 2017 तक गंगोत्री साहब के साथ था, वही साथ आने वाले समय में भी गंगोत्री साहब के साथ में बना रहे। जो विकास गंगोत्री साहब के माइंड में है वो प्रैक्टिकल कैसा होता है ये देखने का सौभाग्य प्राप्त करें, ऐसी मैं यहाँ पे सभी हमारे नगरवासियों से, हमारे मतदाताओं से, प्रभाग क्रमांक 17 के सभी नागरिकों से विनंती करता हूँ।
देखिए, सबसे पहले तो हमारे पक्ष के ज्येष्ठ नेता श्री भारत राजवानी जी के बड़े बेटे श्री देव राजवानी जी का आज बर्थडे है, तो उनको हम उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। और जैसे कि सब जानते ही हैं कि आदरणीय अजीत दादा पवार और आदरणीय जयंत पाटिल साहब की दी हुई निधि से जो 25 CR की है, उससे विकास कार्य पूरे 17 नंबर पैनल में शुरू हो चुके हैं। उन्हीं कार्यों के तहत ये एक गार्डन का काम है, क्योंकि हमारा मानना है कि अच्छे रोड और अच्छे जो गार्डन होते हैं वो किसी भी शहर की सुंदरता को 4 चांद लगाते हैं, उससे शहर की प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। तो इन्हीं सब बातों का ध्यान देते हुए ये जो निधि थी, हमने पूरी ट्राई की है कि हम अच्छे रोड्स और गार्डन्स में ज़्यादा इसको यूज़ कर सकें। उसी के तहत ये आज एक गार्डन का मुहूर्त हुआ है। इधर के ही रहवासियों से, जो इधर के बहुत पहले से रह रहे हैं, उन्हीं से हमें पता चला कि ये ब्रिटिश के ज़मानों से ऐसा ही ये गार्डन पड़ा है, इसकी किसी ने कोई डेवलपमेंट करने की कोशिश नहीं की है। और ये इसमें 50 लाख तक की निधि का काम है, जो कि 2-3 दिनों में ही शुरू हो जाएगा। धन्यवाद। इस गार्डन में क्या क्या डेवलपमेंट है? गार्डन तो देखिए, जैसे गार्डन ही बनता है वैसे ही होगा, बाकी उसका प्रॉपर हमने डिज़ाइन का वीडियो बनाया है, वो आपको मीडिया में उपलब्ध करा दिया जाएगा, प्रॉपर उसकी डिज़ाइनिंग का। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।